हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा सेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्लास 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप आज एनसीईआरटी के कंप्लीट 100% न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताऊँ, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूमेरिकल्स के प्रति जो आपका एक व्यू है, खासकर जो बायोलॉजी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक डर, एक फोबिया है, तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगा कि आप न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज़ आप नीट का या आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए मस्ट कंपलसरी है। तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में आप करेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, वो मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट में बता रहा हूँ। वैसे मैंने इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया है, हाउ टू अपीयर आर फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, क्लियर? तो वो आप देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट, सबसे पहला काम आपका ये है, जैसे मैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड का न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ, तो पहला काम आपका क्या है कि आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पूरा चैप्टर 100% प्रिपेयर होना चाहिए विथ कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपने तैयारी कर लिया होगा, मेरा वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो तैयारी करेंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज फार्मूला, आपको फार्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। जब आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो जितना भी फार्मूला आपको, मेरा आपको सजेशन है कि आप एक अलग से उसके लिए नोटबुक बनाइए और पूरे फार्मूले, आप सबसे पहले चैप्टर के पूरे फार्मूले वहाँ पर लिस्ट कर लीजिए और न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप उसको जरूर रिवाइज करिए। तो पूरा चैप्टर का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एंड थर्ड, आपको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स होना चाहिए। ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला, एंड आफ्टर दैट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल टूल्स विल बी रेडी। मैथमेटिकल टूल्स आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, जो आपके मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो मैक्सिमम मैथ्स 12th क्लास के आते आते पढ़ लिया, फिर भी यहाँ पर फिजिक्स में कुछ अलग टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं। और जो बायो के स्टूडेंट हैं, जिन लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको मेरा सजेशन है कि यदि अभी तक आपका मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यदि प्रॉपर नहीं है, तो आपको मेरा सजेशन है फिजिक्स को भी समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स को भी करने के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ द फ्यूल्स ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का फ्यूल्स है। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए, और इसके लिए मैंने स्पेशल 5 वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा। यदि नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाइए, और मैंने अलग से उसकी लिस्टिंग की है, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, वो आप करिए। उसमें एक पार्ट में मैं बायनोमियल थ्योरम, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, सब चीज़ मैंने प्रॉपर वहाँ पर पढ़ाया है। तो यहाँ से आप प्रिपेयर, इतना यदि आप तैयार हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स बनेगा। इसके यूज़ कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझने में काम आएगा। स्टेटमेंट मीन्स क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल में बोल क्या रहा है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा, व्हाट इज़ द गिवन पोर्शन एंड व्हाट इज़ द फाइंड। एंड आफ्टर दैट, इफ़ वी हैव गिवन एंड क्वेश्चन
फाइंड फंक्शन वेरिएबल देन वी हैव ए फार्मूला, उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होगा, उस फार्मूला में जो गिवन है वो रहेगा, जो फाइंड करना है वो रहेगा। तो फार्मूला यदि हमको लर्न किया हुआ है तो हमारे ब्रेन में रिकॉल हो जाएगा और हम ये यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू हम अपने फार्मूला में पुटअप कर देंगे। और जब वहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमको मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा, दैट मीन्स सिंप्लीफाई, मल्टीप्लीकेशन करना होगा, डिवीज़न करना होगा, रूट करना होगा, कहीं डिफ्रेंशिएशन करना हो सकता है, कहीं इंटीग्रेशन करना हो सकता है, कहीं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो सकता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो सकता है। ये टूल्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर? इतनी बात, यदि आप मेरे गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और फॉलो नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में तो प्रॉब्लम ही है। तो ये मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपना न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसके कुछ दिनों के बाद आपको आईआईटी जेई और नीट के पर्पज़ के लिए मैं स्पेशल कलेक्शन का न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी क्लास दिया, फिर न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। वैसे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव में भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स की खासियत है कि उसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। यदि वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के बेस पर आप और क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और वन बाय वन हम इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरेटिकल है, उनको मैं छोड़ के चलूंगा, उन पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपके पास एनसीईआरटी बुक रखा है तो आप सामने एनसीईआरटी के बुक को रख के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। और बाय द वे, आपके बुक नहीं आपके पास तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है, आप क्वेश्चन रीड करिए और मैं बुक से रीड करता हूँ, फिर उसको आपको सॉल्व करता हूँ। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज द फोर्स गिवन टू स्मॉल चार्जेस स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम एंड 3×10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बहुत ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पर है, लेकिन फिर भी हमको करना है प्रैक्टिस के लिए। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप सबसे पहले गिवन देखिए। तो यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है Q1, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट चार्ज, ठीक है। एक सिम्बोलिक फिगर बना के मैं आपको समझा दूँ, तो इस प्रकार से देखिए, ये एक चार्ज है Q1 और इसका चार्ज अमाउंट है 2×10⁻⁷, 2×10⁻⁷ कूलम, एंड सेकंड चार्ज Q2 इज 3×10⁻⁷ कूलम, ये है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करा रहा हूँ, ताकि आप इजी से क्वेश्चन देखिए। राइटर ने भी एनसीईआरटी, एक बहुत जीनियस राइटर्स लोग का एक ग्रुप होता है, उन लोगों ने बनाया है उसको, प्रॉपर उसी वे में बनाया है। तो अब देखिए, आपको पता है कि आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, Q1 Q2 पता है, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपको कैलकुलेट करने बोला है। क्लियर? तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कौन सा रूल लगेगा, कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ में अपने को पता है, सिंस F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r2। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट अप कर दो, दैट इक्वल, इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 9×10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज इज 2×10⁻⁷, इंटू सेकेंड चार्ज इज 3×10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए, ये सेंटीमीटर क्या है, CGS यूनिट है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन को किस में बनाना है, MKS, दैट मीन्स SI में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 डिवाइड करेंगे या 10⁻², मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 30×10⁻², इसका होल स्क्वायर। अब इस स्टेप में आने के बाद आपको सिंप्लीफाई खुद से करना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मेरा सजेशन है, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, मुझे तो आपको समझाना है केवल,
तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। आप इसको प्रैक्टिस खुद से करिए, वीडियो पॉज करके आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्रैक्टिस में आएगा। और आप न्यूमेरिकल को सिर्फ वीडियो देखेंगे तो न्यूमेरिकल साफ से नहीं बनने वाला है। इसके बाद आपको मैनुअल वर्क करना है। चलो मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, दैट इक्वल कुछ मैं समझा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये आपको न्यूमरेटर में जो 10 का पावर है उनको आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये पहले आप 9 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाद में करूँगा, मैं लिख दिया 9 इंटू 2 इंटू 3। कभी भी आप ये जो छोटे छोटे डिजिट हैं उसको मल्टीप्लाई शुरू से मत करिए, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ वो कैंसिल होगा। आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा उसको आप स्मॉल पार्ट में बटे रहने दीजिए। जैसे यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर दिए तीनों का, तो मतलब नहीं है। क्लियर? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये धीरे धीरे। वैसे मैं अपने न्यूमेरिकल्स क्लास में बायो के स्टूडेंट्स का स्पेशल ध्यान रखता हूँ। वैसे मैं पूरे फिजिक्स क्लास में बायो के स्टूडेंट को इसलिए ध्यान रखता हूँ क्योंकि मुझको मालूम है कि फिजिक्स में उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बाकी मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत ईजी होता है, तो उसको आप उसी हिसाब से समझेंगे। चलिए ये हो गया। अब 10 के पावर में देखिए, 10 के पावर -7, ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। -7 कितना हो जाएगा, -14, और ये 9 है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो क्या करेंगे, 9 को हम 14 से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, -5, 10 to the power -5। क्लियर? अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में ये 30 का स्क्वायर है, तो दो बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 into 30 into 10 का पावर -2 है, स्क्वायर है, तो हो जाएगा 10 to the power -4, दैट इक्वल। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखिए आसानी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये 10, इसके पास 10 है, यहाँ 10 है, 0 है इसलिए, तो 10 to the power 2, और इसके साथ में वो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, 10 to the power -2 हो जाएगा। ये हो गया 9 into 2 into 3 into 10 to the power, ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 10 to the power -3। क्लियर? और अपन 3 into 3 मतलब 3 into 3 या 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 हो गया, और 3 into 2 6 6। ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको इसको समझना है, सिंप्लीफाई करना, बाकी आपको आना चाहिए। एक बार मैं आंसर टेली कर लूँ, 6 into 10 to the power -3, क्लियर, ये आएगा। और फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही आपको क्या करना है, बिगिनिंग से आपको सिंपल क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट आप बोर्ड से पढ़िए, और मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टेटमेंट को पहले खुद से समझने का कोशिश करिए कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 या बुक में 1.2 है ना, उसको मैं 2 ही लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वही 2 चार्जेस है, ये स्फेरिकल चार्जेस Q1 का वैल्यू क्या दिया है अपने को, 0.4 माइक्रो कूलम, एंड सेकंड चार्ज Q2 इक्वल टू -0.8 माइक्रो कूलम, एंड फोर्स बिटवीन देम इज 0.2 न्यूटन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। क्लियर? एंड फोर्स बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट, वो बात देखेंगे फर्स्ट पार्ट। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, देखिए अभी जो क्वेश्चन था उसमें आपने फोर्स फाइंड किया था,
इस क्वेश्चन में फोर्स दे दिया, डिस्टेंस फाइंड करना है, नेचुरली फार्मूला वही लगेगा, एफ इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट इक्वल फोर्स का वैल्यू क्या है 0.2 न्यूटन, दैट इक्वल 9×10⁻⁹। Q1 इज 0.4, और ध्यान रखना माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करके बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करते हैं। एंड सेकंड चार्ज इज माइनस, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में उसका बिहेवियर बता रहा है कि ये इसे अपोजिट चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ये हो जाएगा 0.8×10⁻⁶ और अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट अप कर दिया, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, आर, ये हमको फाइंड करना है, तो आर को इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 10 के पावर को पहले कर लेते हैं, ये लिख लिया हमने 9×0.4×0.8×10⁻⁸ कितना होगा, −6×−6 −12, और 9 को हम उससे माइनस करेंगे क्योंकि प्लस है, तो कितना हो जाएगा 10⁻³, और अपान ये ट्रांसफर हो गया 0.2। दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर, ये पूरे डेसिमल को अपन इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9×4 अपान, तो कितना हो जाएगा 10×, इसको भी इंटीजर बना दूँ तो 8×10×10⁻³, इसको हम लिख सकते हैं 2/10, क्लियर। That implies आगे हम इसको इस तरह से इंटीजर बनाने से सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होता है ना। अब इसको हम सॉल्व करें, ये 10 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं इसके 4 जा, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 9×4×4×, यहाँ 10 का पावर 1 है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻⁴। देखो अब यहाँ पर हमको रूट फाइंड करने में बहुत आसानी होगा, तो रूट कैसे फाइंड करेंगे अपन, इधर सब के वैल्यू के रूट फाइंड हो सकते हैं, तो आर इक्वल टू 9 को 3, 4 का 2, इस 4 का भी 2, और 10⁻⁴ को लिख सकते हैं 10⁻², दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू 12×10⁻², मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस पूछा है 12×10⁻², मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि यह जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो अभी इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन, तो फोर्स बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज इज आल्सो 0.2, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा ठीक है उतना ही फोर्स क्या होगा ये इस पर लगाएगा, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0.2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, 4 भी थ्योरेटिकल है, 5 भी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आप एक बार स्टेटमेंट आप बुक से पढ़िए या बोर्ड से पढ़िए, 6 नंबर क्वेश्चन। फोर पॉइंट चार्जेस QA, QB, QB, QQCR लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए कॉम्पिटिटिव में आया लायक क्वेश्चन है, स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, फिगर में आप इसको समझिए क्वेश्चन को सबसे पहले। ये सपोज कोई स्क्वायर शेप है और इसके कॉर्नर्स में, इसको 4 कॉर्नर्स में ये चार्जेस हैं, QA इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। सपोज QA, द ये इसका नाम हमने लिख दिया ABCD, QA जो चार्ज है वो है 2 माइक्रो कूलम,
द वैल्यू ऑफ क्यू बी चार्ज इज -5 माइक्रोकूलम. क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम एंड क्यू सी इज ऑल्सो 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी इज -5 माइक्रोकूलम. ये दोनों इक्वल चार्ज हैं, ये दोनों इक्वल चार्ज हैं. इसके बाद क्या बोला, ये सपोज इसका डायगोनल है और इसके सेंटर में रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके सेंटर में रखा है. ध्यान रखना +1 माइक्रोकूलम. तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स हमको पूछ रहा है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर. इसका ईच साइड, ये जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है. यदि मैं इसको कॉम्पिटिटिव हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँ डायरेक्ट आंसर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो जीरो होगा. कैसे देखिए, लेकिन फिर अपन कैलकुलेशन भी करेंगे. ये है 2 माइक्रोकूलम चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलम चार्ज. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा इस डायरेक्शन में. और ये रिपल्सन फोर्स है. सपोज ये मैंने एरो लगाया और इस फोर्स का नाम दिया ड्यू टू ए इज सपोज एफ ए. तो एफ ए फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन इस दिशा में, इस डायरेक्शन में होगा. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए, ये जो चार्ज है सी, ये क्यू सी चार्ज भी पॉजिटिव है. ये क्या करेगा, इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपल करेगा. तो ये वैल्यू हो गया क्या, एफ सी. अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है. ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके डायगोनल का फार्मूला होता है ए रूट टू. ये होता है डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. सपोज ये सेंटर ओ है तो यहाँ पर जो ओ सी डिस्टेंस होगा, ओ सी डिस्टेंस, सबसे पहले मैं ए सी डिस्टेंस आपको बता दूँ, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट टू. तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10√2 हो जाएगा ये. तो ए सी पूरा डायगोनल का लेंथ कितना हो गया, ए सी. तो हम यदि ओ सी निकालना चाहें, ओ सी इज आल्सो इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट होता है, और इक्वल टू क्या, ओ सी, ये मिड पॉइंट होता है. तो यह सब क्या होगा, इक्वल होगा और इसका हाफ क्योंकि मिड पॉइंट होता है. तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10√2/2, दैट मीन 5√2. अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5√2. ये +1 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये 2 माइक्रोकूलम. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5√2 होगा इक्वल इसलिए, और ये चार्ज इसके इक्वल है यहाँ प्लस. तो ये जो एफ ए फोर्स है वो एफ सी फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा नेचुरली. तो हियर द फोर्स एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन. एंड सिमिलरली फॉर बी, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा. ये सपोज एफ बी है और ये डी जो चार्ज है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस है, और ये हो जाएगा एफ डी. सिमिलरली एफ बी इज इक्वल टू एफ डी. अब यहाँ पर आप देखिए कि एफ ए फोर्स एफ सी फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, और ये जो एफ बी फोर्स है वो एफ डी फोर्स से बैलेंस हो जाएगा. तो फाइनली इस चार्ज पर फोर्स क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा. लेकिन आपको सपोज इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है तो पूरे वैल्यू पुट अप करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे बोर्ड एग्जाम में आया तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, कॉम्पिटिटिव में तो आंसर आपको ओरल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा कि वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. कैसे देखिए, एफ ए निकालेंगे. अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, बस निकाल के बता देता हूँ आपको. 1/4πε0 एफ क्यू ए क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर. ये डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 9×10⁻⁹ इंटू द वैल्यू ऑफ क्यू ए इज 2×10⁶ इंटू क्यू क्यू ए, ये क्यू ना सॉरी, इसके बीच का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं, एफ है तो ये क्यू होगा. तो क्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम. तो 1×10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, और अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या निकाला है हमने, 5√2 का होल स्क्वायर. ये वैल्यू आप पुट कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली आप निकाल लोगे एफ सी,
एफ सी इज 9×10⁻⁹ इंटू 2×10⁻⁶ इंटू 1×10⁻⁶ ना, 10⁻⁶ अपॉन 5√2 अपॉन होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दोगे अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस एफ ए इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर दे आर कैंसल टू इच अदर। सिमिलरली आप लिख लोगे एफ बी और एफ डी, वो भी कैंसिल कर लेंगे। तो ऐसा इसको वैल्यू पुट अप करके हम सब बता सकते हैं कि जीरो होगा। वैसे क्वेश्चन ओरल है, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स 8+Q चार्ज द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फोर्स जीरो हो गया। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट आप रीड करिए और देखिए उसमें गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग, क्लियर। अप टू टू पार्ट्स है क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पर टू चार्जेस हैं क्यू ए क्यू बी 3 एंड 3 माइक्रो। क्यू ए पॉइंट पर इज 3 माइक्रोकूलम एंड एट बी पॉइंट क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर एंड सपोज दिस इज मिड पॉइंट ओ, देन ओ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, क्लियर। देन बोलता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिड पॉइंट पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पूछता है, तो देखिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर यूनिट चार्ज इमेजिन करेंगे, यहाँ पर यूनिट चार्ज है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी बिटवीन ओ एंड ए, दैट मीन्स इसको मैंने कह दिया सपोज इंटेंसिटी ई वन, ई वन इक्वल टू हो जाएगा 1/ea कह दिया सपोज इसको, ड्यू टू ए चार्ज 1/4πε0 ये क्यू ए इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इक्वल 9×10⁹ इंटू क्यू ए का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3×10⁻⁶ एंड दिस इज यूनिट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10×10⁻²² होल स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली एफ बी ई बी ना सॉरी इंटेंसिटी ई बी इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ मैं 1/4πε0 ये है -3, तो -3 इसको साइन लिखने की जरूरत नहीं है ×10⁻⁶ इंटू 1 ये यूनिट चार्ज है और अपॉन डिस्टेंस वही होगा 10×10⁻²² होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। दैट मीन्स ई ए का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, ए ओ डायरेक्शन में होगा, ए ओ। और ये निगेटिव चार्ज है तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ये होगा, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ ई बी इज ओ बी। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देयर फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे 1/4πε0 या डायरेक्ट इसका वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट अप कर दिया हूँ 9×10⁹।
तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू के देखिए, दोनों इक्वल फोर्सेस है। या एक बार वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं, 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ इंटू 1 upon 10 × 10⁻²। एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वही 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ इंटू 1 upon 10 × 10⁻²। क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इक्वल दोनों सम हो गया 2 × क्लियर 2 × 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ अपॉन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 × 10⁻⁴ 10⁻⁴। और दोनों सम हो के 2 लिख लिया मैंने स्टार्टिंग में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए तो सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसके साथ ये 10⁻² है और -2 इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 2 × 3 × 9 × 10⁻³। ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर 10⁻², यहाँ -2 होगा, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻ क्या हो जाएगा, या इसके साथ ऐड कर लीजिए, कहीं भी करें, 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻ फिर 4 क्या है, 9 से होगा, माइनस होगा, तो हो जाएगा 10⁵। दैट इक्वल, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर एक बार टेली कर लूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8। बस लेंदी कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, (54 × 10⁵). ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 9 × 3 = 27 × 2 = 54। तो 54 × 10⁵, यदि हम इसमें 1 प्लस में इसको डेसिमल लगाना चाहें तो दैट इक्वल, यहाँ पर हम एक 10 इसके साथ ले लें तो हो जाएगा 5.4 × 10⁴। और हम लगा रहे हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 5.4 × 10⁵। अब 1 10 वाली से लिखे 6 होगा ना, ये 6 होगा, ये इसका फाइनल आंसर है, क्लियर। और इंटेंसिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला है देखिए एक बार ध्यान से, इस सिचुएशन में रिजल्टेंट इंडेक्स, दोनों ऐड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का वैल्यू हमने पुट करने के बाद 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, दोनों सेम है तो ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका सेकंड नंबर के पार्ट में क्वेश्चन में बोला है कि सपोज यहाँ पर क्या हो, एक और चार्ज हो ओ पॉइंट पर, इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। देखिए ये कैलकुलेशन मैं इरेज कर रहा हूँ और सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन, इसका हमको जरूरत है इसलिए उसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। ये हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर सपोज यहाँ पर एक चार्ज है और उसका वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁹ क्यू है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो सिंस अपने को पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी, दैट इंप्लाइज फोर्स इक्वल टू चार्ज, ये है अपने पास 1.5 × 10⁻⁹ इंटू इंटेंसिटी, हम ये कैलकुलेट करके रखे हैं 5.4 × 10⁻⁶। अब इसको हमको
मल्टीप्लाई, मतलब इस पॉइंट पर यदि ये चार्ज रखा हो तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी। चार्ज का वैल्यू भी हमको पता है, इंटेंसिटी का। इसको मैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 5.4, ये हो जाएगा 8.1, 10 to the power -3, 8.1 इंटू 10 to the power, यहाँ से माइनस होगा तो -3 एंड न्यूटन, ये इनके बीच का फोर्स हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, उनकी आपको कैलकुलेशन को ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड करिए। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए क्यू बी लोकेटेड एट ए इक्वल टू 0.15 cm एंड बी इक्वल टू दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पर 3 dimension आपको कंडीशन दिया हुआ है, ये सपोज x एक्सिस है, ये सपोज y एक्सिस है, और ये सपोज z एक्सिस है। देखिए आपको पता है x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, उसको हम a 0 0 लिखते हैं, y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हम 0 b 0, एंड जो डेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0 0 c होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो 0 0 15 दिया हुआ है, 0 0 15, -15 +15, तो नेचुरली वो कहाँ का कोऑर्डिनेट्स है, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि 0 0 15 जेड एक्सिस में आएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये निगेटिव एक्सिस ले लिए, ये इसका निगेटिव एक्सिस है, दैट मीन्स जेड डैश है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0 0 15, और अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट है वो है 0 0 -15। यहाँ जो चार्ज है क्यू ए, फर्स्ट चार्ज क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट चार्ज क्यू ए चार्ज है 2.5 × 10⁻¹⁷, 2.5 × 10⁻⁷, और यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पर वो है क्यू बी चार्ज इक्वल टू -2.5 × 10⁻¹⁷, क्लियर। तो ये 3 dimension इस जेड एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट्स 0 0 15, और यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में 0 0 -15, यहाँ पर चार्ज इतना है, यहाँ पर चार्ज इतना है, ये माइनस चार्ज है और ये क्या है प्लस चार्ज है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल चार्ज पूछा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फिगर को आप देखिए, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले, टोटल चार्ज q इक्वल क्यू ए प्लस क्यू बी, दैट इक्वल ये क्यू ए का वैल्यू है 2.5 × 10⁻¹⁷, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू बी इज माइनस, देखिए निगेटिव चार्ज है तो हो जाएगा -2.5 × 10⁻¹⁷, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 0। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट चार्ज 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू होता है 2QL, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्लियर। दैट इक्वल ये हो जाएगा, दैट इक्वल यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ Q × 2L, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। तो चार्ज कितना है अपने पास, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻¹⁷
-7 इन इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है ये 15 है। तो 15 प्लस 15 कितना आएगा 30 सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे 10^-2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के बाद आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में 30 तो हो जाएगा 75। क्लियर, 10^-7 ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 75 × 10^, ये हो जाएगा -9, 7 और 2। ठीक है, बुक में आंसर इसको 8 के फॉर्म में दिया है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा दें यहाँ पर 7 के बाद, तो 7.5, तो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10^ हो जाएगा -8, 7.5 × -8 ये हो जाएगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट में टोटल चार्ज 0 क्यों होगा, दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया है। सेकेंड पार्ट में पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, Q × 2L फार्मूला होता है, दोनों को वैल्यू को पुट कर दिए डाइपोल। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, इजी है बहुत क्वेश्चन, लेकिन थ्री डायमेंशन आपको कंडीशन को समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस इज एलाइन एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आपको दिया है 4 × 10^-9। ये ऐसा कंडीशन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बना के, ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो वैल्यू दिया हुआ है पी का, ये वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10^-9, 4 × 10^-9 कूलाम मीटर ये दिया हुआ है, और ये जो दोनों के बीच का डिग्री होता है थीटा वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया है 5 × 10^4 न्यूटन पर कूलम। ये तब तो टार्क निकलेगा, कैसे देखिए टार्क का, अब यहाँ पर टार्क का डायरेक्ट फार्मूला निकालना है अपने को, तो टार्क का जो फार्मूला अपने को पता है टाई इक्वल टू होता है PE sin थीटा, ये टार्क निकालने का फार्मूला है ना, आप ये सब चैप्टर में पढ़े हुए हैं। दैट इक्वल P का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 4 × 10^-9, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 × 10^4 और इंटू साइन 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व करें तो ये 4 × 5 10^ में कितना हो जाएगा -5 इंटू ये हो गया 1/2, साइन 30 इज 1/2, दैट इक्वल ये इसके साथ कैंसिल आउट कर दिए, ये हो गया तो 5 × 10 × 10^-5 दैट मीन्स 10^-4, ये टार्क का वैल्यू हो जाएगा 10^-4। क्लियर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टार्क। तो ये बहुत आसान है, बस आपको इस फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है
दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. 11 ना, 11 का भी स्टेटमेंट पढ़िए आप. देखिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा. मैं पूरे एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो आपको लेंदी है वीडियो करके परेशान मत होना, क्योंकि न्यूमेरिकल से यदि आपको करना है तो पहला रिक्वायरमेंट है आपका पेशेंस. पेशेंस के साथ आपको न्यूमेरिकल, जब ये जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स है टोटल कैलकुलेशन पर बेस्ड है. करीब 4-5 क्वेश्चन है जिसके डेप्थ कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कैलकुलेशन पर बेस्ड है, लेकिन वो आपको करना जरूरी है, वहीं से प्रैक्टिस शुरू होगा. क्लियर? तो अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 11. ये पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड ए हैवे. एक पॉलीथीन के पीस को क्या किया गया, रब किया गया, किसे? वूलन क्लास के साथ में. और आपको मालूम है बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि जब टू बॉडी में फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी को ज्वाइन कर लेता है. तो यहाँ पर पॉलीथीन का पीस है, उसको रब किया गया वूल से और उसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया Q3 × 10⁻⁷. Q = 10⁻⁷ कूलम. ये डेवलप हो गया रब करने से. इस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच. अब इसको क्या करना है, जब हम रब किए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला अपने को पता है, Q = होता है N × E. दैट इम्प्लाइज N = Q, ये चार्ज है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/E, दैट इक्वल 10⁻⁷. 10⁻⁷ चार्ज डेवलप होता है ना इसमें. क्वेश्चन नंबर 11. 3 × 10⁻⁷, ये 3 लिखना भूल गया मैं, 3 × तो यह आएगा 3 × 10⁻⁷ अपॉन चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹. अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 3 को डिवाइड करता हूँ मैं 1.6 से कैलकुलेटर से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.875 इंटू 3 × 10⁻⁹⁹ ना. ये −19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो 7 से माइनस होकर कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁰. तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से ट्रांसफर हो जाएंगे, किसमें, वूलन क्लास में. अब आगे बोलता है सेकंड पार्ट में कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. यस, क्यों, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है. तो जब एक बॉडी से, सपोज ये एक बॉडी या सेकंड बॉडी है, यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होकर जाएंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ में मास लेके भी जाएगा. इस तरह से उसमें मास क्या होगा, ट्रांसफर होगा. यदि हमको क्वेश्चन इसमें तो पूछा नहीं है, लेकिन सपोज इस्टीमेट, अच्छा इस्टीमेट करने बोलता है कि कितना मास हो जाएगा, तो मास यदि हम निकालना चाहें उसका, मास ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टोटल मास ऑफ द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसका टोटल मास कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? तो ये मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको इसको लर्न करके याद रखना है, 9.1 × 10⁻³⁹. ये मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, दैट मीन्स 1.875 × 10⁻½. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये टोटल मास है ना, टोटल मास ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आंसर मैं लिखता हूँ, 1.8 × 10⁻¹⁸. 1.8 × 10⁻¹⁸ kg. इतना kg का
मास क्या होगा, पॉलीथीन से वूलन क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? तो एक आंसर इसका निकला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीथीन टू वूलन क्लॉथ, एंड दिस इज द टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीथीन टू वूलन क्लॉथ। तो ये इस फार्मूला पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को आप रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 12 बुक से रीड करिए या मेरे बोर्ड से। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, द रेडी ऑफ द नेग्लिजिबल। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, सपोज ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, इसका रेडियस नेग्लिजिबल है, इनके बीच का डिस्टेंस को दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ आर इज 50 सेंटीमीटर, एंड चार्ज ऑन ईच चार्ज इज 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, क्यू ए एंड क्यू बी इज ऑल्सो 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, दोनों में इक्वल चार्ज है, तो बोलता है कि इनके बीच का फोर्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, तो है ना, यहाँ पर हम फोर्स निकालें तो फोर्स इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू ये चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ इंटू ये चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस इज 50 मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻², इसका स्क्वायर। अब इस तरह के सिचुएशन को आप सॉल्व कर लेना, ये आपसे हो जाएगा। वो जो तरीका बताया मैं कि आप पहले ये कर लोगे 9 × 6.5 × ये 10⁻⁷, 10⁻⁷14 और 9 तो 10⁻⁵ हो जाएगा −5 ये, और नीचे में आप सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर 50 × 50 × 10⁻⁴, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। मैं डायरेक्ट आंसर जो एनसीईआरटी में आया आंसर बता देता हूँ, ये आप सिंप्लीफाई कर लेना वैल्यू को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है इसका सेकंड पार्ट भी है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ द इज स्फीयर इज चार्ज डबल, सेकंड पार्ट भी है ना क्वेश्चन का, तो ये इसका तो आंसर आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 1.52 × 10⁻², 1.52 × 10⁻², न्यूटन। ये सब कंडीशन को आप सिंप्लीफाई करिए खुद से, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं तो करके बता दूंगा, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये आंसर आएगा, आप इसको चेक कर लेना, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन आप मैनुअली आप प्रैक्टिस करते समय इसको सिंप्लीफाई करिए। ये इसका ए पार्ट का आंसर है, इसका बी पार्ट भी है क्वेश्चन में। बी पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मतलब यदि हम चार्ज को क्या कर दें, डबल कर दें इसको, लेकिन रेडियस को हाफ कर दें तो क्या होगा, देखिए दैट मीन्स क्यू ए डैश इज 2qa, मतलब बाद के चार्ज को पहले का डबल कर दिया, एंड क्यू बी डैश इक्वल टू 2qb एंड r डैश इक्वल टू r/2, इसको हाफ कर दिया। ये कंडीशन हम अप्लाई कर दें तो हमारा न्यू कंडीशन क्या हो जाएगा, देन फोर्स बिटवीन देम इज सपोज f डैश इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपॉन आर डैश स्क्वेयर, ये हो जाएगा दैट इक्वल, इसको सॉल्व करें तो 1/4πε0 क्यू ए डैश इज 2qa इंटू क्यू बी डैश इज 2qb अपॉन आर डैश इज आर अपॉन 2,
स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, 2 × 2 = 4, ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ऊपर जाके 16 हो जाएगा वो, 2 × 2 = 4, ये 4 16, और इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी। तो क्यू ए का वैल्यू क्या है अपने पास, ये क्यू ए का वैल्यू है 6.5 × 10⁻⁷। वैसे देखिए यहाँ पर इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये 16 × a हो जाएगा 1/4πε₀ क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू ये हम निकाल के रखें, ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, इन दोनों के बीच के फोर्स का वैल्यू है, तो उसमें हम 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अपने को, दैट इक्वल 16 × एंड वैल्यू ऑफ दिस इज 1.52 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लें अपन, 16 × 1.52 हो जाता है 0.24 न्यूटन आ जाएगा कंप्लीट, ये 0.24 न्यूटन, ये सेकंड पॉइंट है, क्लियर। मतलब सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, चार्ज को हम डबल कर दें दोनों चार्ज को और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो उनके बीच का न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो 16 टाइम्स हो जाएगा। ये 16 टाइम्स कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि यदि आपको इस तरह से डायरेक्ट ओरल आप कैलकुलेट कर लो तो जो वैल्यू आया उसमें 16 आप मल्टीप्लाई कर दो तो 16 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट आप मेरे बोर्ड से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्टीन नंबर का क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़िए। ये 13 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 पर ही बेस्ड है। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज, ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 12 पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। स्टेटमेंट मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, देखिए ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर है, ये ए स्फीयर था, ये सपोज बी था, अभी हमने इसको पढ़ा है, अब इसमें थर्ड हम एंट्री कर रहे हैं सी। ए पर चार्ज अपने को पता है क्यू ए इक्वल टू, क्वेश्चन में चार्ज हमको 12 में दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और यहाँ पर भी क्यू बी इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। डिस्टेंस वही इनके बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना 50 सेंटीमीटर। अब एक ये चार्ज है क्यू सी जो क्या है अनचार्ज बॉडी है, मतलब इसमें चार्ज 0 है। तो यहाँ तक का हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, अभी हम निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, लेकिन इसमें अब सिचुएशन को चेंज कर दिया। क्या किया, ये जो सी चार्ज है उसको जाके इसके साथ कॉन्टेक्ट किया, इससे टच करा दिया सी चार्ज को, तो क्या होगा, इसके पास चार्ज 0 है, इसके पास इतना चार्ज है, तो जब हम उसके साथ उसको टच कर देंगे तो टच करने से क्या होगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोनों का सम अपॉन 2 हो जाएगा, और इसमें जो चार्ज होगा फिर ए में वही चार्ज फिर सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन ए इज सपोज क्यू ए डैश, तो क्यू ए डैश इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू सी अपॉन 2, दैट इंप्लाइज क्यू ए डैश इक्वल टू, क्यू ए का वैल्यू क्या है अपने पास 6.5 × 10⁻⁷,
और प्लस जीरो, क्यू सी में चार्ज नहीं है तो प्लस 0.2 इस दैट इम्प्लाइज क्यू ए डैश इक्वल 6.5 में 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.25 इंटू 10^-7 कूलम। तो ये जो चार्ज है वो कब होगा, जब हम सी बॉडी को ए के साथ टच करेंगे तो ये जो फर्स्ट चार्ज है जिसमें इतना चार्ज था अब इतना हो जाएगा और उतना ही चार्ज सी में हो जाएगा। दैट मीन्स देयरफॉर चार्ज ऑन सी इज क्यू सी डैश इज आल्सो इक्वल टू दिस 3.25 इंटू 10^-7 कूलम्ब, इतना हो जाएगा। अब आगे के केस में क्या बोला है क्वेश्चन में, अब इस बॉडी को यहाँ से हटा के इसके कांटेक्ट में कर देते हैं। अब इसमें इतना चार्ज आ चुका है, उसको हम बी के कांटेक्ट में कर देते हैं। देन देयरफॉर आफ्टर टच विथ बी चार्ज ऑन बी, जब हम इसको इसके साथ में टच कर देंगे तो बी पर कितना चार्ज हो जाएगा देखिए, इसको हमने कह दिया क्यू बी डैश इक्वल टू, तो क्यू बी में कितना चार्ज है 6.5 इंटू 10^-7 प्लस सी में कितना, एक बार सिंबॉलिक लिख दो मैं इसको, क्यू बी प्लस क्यू सी डैश अपॉन टू, क्योंकि हमने अब क्या किया सी को इसके टच में कर दिया तो दोनों का सम अपॉन टू हो जाएगा। दैट इक्वल 6.5 इंटू 10^-7 प्लस ये हम निकाल कर रखे हैं क्यू सी डैश 3.25 इंटू 10^-7 अपॉन टू, दैट इक्वल 10^-7 को दोनों में से कॉमन कर लें तो 10^-7 और ये दोनों सम हो जाएंगे तो हो जाएगा 9.75 अपॉन टू, दैट इक्वल 9.75 में 2 हम डिवाइड कर दें 9.75 अपॉन टू, ये हो जाएगा 4.875 इक्वल टू 10^-7 कूलम्ब, ये हो गया न्यू चार्ज ऑन बी डैश। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको इसके साथ में टच किए तो ए का चार्ज चेंज होके इतना हो गया, इसके बाद सी को ले जाके हमने फिर बी के साथ में टच कर दिया तो बी का चार्ज कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि अब दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, दैट मीन्स फोर्स बिटवीन क्यू ए डैश एंड क्यू बी डैश, तो देयरफॉर वहाँ जो फोर्स होगा डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ मैं, एफ इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू हम पुट अप कर दें, दैट इक्वल 9 × 10^9 इंटू 9 × 10^9 इंटू, एक बार वैल्यू मैं यहीं पर पुट अप कर देता हूँ फिर कैलकुलेट कर लेंगे अपन उसको, दैट इक्वल 9 × 10^9 इंटू क्यू ए डैश, क्यू ए डैश इज दिस 3.25 इंटू 10^-7 इंटू क्यू बी डैश 4.875 इंटू 10^-7 अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50, तो ये हो जाएगा 50 × 10^-2 मीटर में चेंज करेंगे होल स्क्वायर, दैट इक्वल, अब आप ये सिंप्लीफाई कर लेना, ये सिंप्लीफाई एक्स हो जाएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, सिंप्लीफिकेशन सरल करने के बाद उसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 वो मिल जाएगा अपने को, फाइव पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर
-3 न्यूटन। क्लियर? तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इस तरह से क्या होगा, इसको इससे टच करेंगे, फिर इससे टच करेंगे, तो ए और बी के बीच में जो न्यू चार्ज होगा उसमें इतना फोर्स लगेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम डेटा पर बेस्ड हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में सिचुएशन में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है। और बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम है, और जैसे आगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ेंगे उसमें सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 3×10³ i। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3×10³ i न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 cm ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखिए ये आई कैप है, दैट मीन्स वाई जेड प्लेन। आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाएं इस तरह से, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जो वाई जेड प्लेन होगा, ये वाई और जेड जो कि क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो यहाँ पर जो प्लेन बनेगा इस तरह से बनेगा, इसके पैरेलल आप लाइन ड्रा करिए, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल लाइन ड्रा करिए, ये इस तरह से ये प्लेन है वाई जेड प्लेन। अब इस वाई जेड प्लेन में हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 cm ऑन ए साइड। ये 10 cm इस स्क्वायर का साइड है। तो यहाँ पर फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या है अपने पास, नंबर ऑफ फ्लक्स फाइ इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस फाइ या कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर डी एस या स्मॉल पार्ट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ई एस कॉस थीटा, दैट इक्वल ई इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये है, तो ये हो जाएगा 3×10³ इंटू ये एरिया, एरिया तो एरिया निकालेंगे क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। मतलब यहाँ पर यदि हम एरिया निकालें तो 10×10 cm², इसको हम यदि मीटर में चेंज करें तो इसको क्या करेंगे, 100×100 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻²² हो जाएगा। ये इस तरह से इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 10⁻²× cos, और देखो ये जो वाई जेड प्लेन है वो इसके पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा आई कैप होगा, तो पैरेलल होने पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0°, और cos 0 1 होता है तो हो गया 3×10, ये हो जाएगा दैट मीन्स 30, नंबर ऑफ फ्लक्स इज 30। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल इफ इट्स प्लेन मेक्स ए 60° एंगल विथ द एक्स एक्सिस। बोलता है यदि 60° का एंगल बनाए तो नंबर ऑफ फ्लक्स कितना होगा। तो सेम फार्मूला को अपन अप्लाई करेंगे और वहाँ पर अपन यूज़ कर देंगे क्या, 60°। तो सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों में सेम चीज़ पूछ दिया। फॉर 60°, सपोज फाई इज 60°, बोलता है इस सिचुएशन को हम 60° से बेंड कर दें तो नंबर ऑफ फ्लक्स कितना होगा। तो यही फार्मूला पर अप्लाई करेंगे,
फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई, ई का वैल्यू वही 3 × 10⁻²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 ⁻⁻²⁻⁻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 
इक्वल 3 इंटू 10 टू द पावर 2, ये 10 हो जाएगा, और इंटू cos 60 डिग्री इज 1/2, तो 2 5 जा दैट मीन्स 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मतलब दो सिचुएशन है, एक पैरेलल विथ एक्स एक्सिस एंड द सेकंड इज मेक एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ये दो आंसर इसके हो जाएंगे, एक 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड सेकंड इज 15। ये है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान है और कॉन्सेप्ट अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, नेट फ्लक्स ऐसे निकाल लेना है, वो तो ऐसे निकाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 17 पे स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स पर बेस्ड है, ऑफ द बॉक्स इज, नंबर ऑफ फ्लक्स दिया है 8 × 10^3, नंबर ऑफ फ्लक्स इक्वल टू 8 × 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेट चार्ज, सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी नो दैट फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इंप्लाइज नेट चार्ज पूछा है तो क्यू इक्वल टू आएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फ्लक्स इज 8 × 10^3 एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लर्न करके रखना, इसका वैल्यू होता है 8.845 होता है, इसको डिजिट आप दो डिजिट तक ले तो भी चलेगा, 10^-12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं डायरेक्ट चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 8 × 8.54 70.8 × 10^-9। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.5 आएगा, और -12 में 3 माइनस करेंगे -9 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा कूलम, या हम 10^-9 को पीको कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो 70.8 पीको कूलम भी लिख सकते हैं आप, माइक्रो कूलम में भी आंसर लिख सकते हैं, तो किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम में लिखना चाहें तो 0.07 दैट इक्वल 0.07 माइक्रो कूलम इसको लिखा जा सकता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा फ्लक्स। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है इसका, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो, could you calculate that there were no charge inside the box? Why? If number of flux is zero, then charge will be also zero. Second part में क्या बोलता है कि suppose flux zero हो, if flux zero हो तो therefore, ये हम formula जानते हैं कि q equal to phi into epsilon naught, q equal to phi into epsilon naught, that implies q equal to phi zero हो, zero upon epsilon zero, तो charge will be also zero. ऐसी question है, मतलब यदि नंबर ऑफ फ्लक्स जीरो हो तो चार्ज तो ऑलरेडी क्या होगा, जीरो होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें सिर्फ कूलम ये सारी गैस थ्योरम लगाना है। ये दो दो लाइन के क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एवर द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक अपने पास ये स्क्वायर इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर इसके साइड्स के लेंथ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका एक सरफेस है, ये किसी क्यूब, इसका क्यूब का एक सरफेस है। आपको पता है कि इस तरह से जो क्यूब होता है तो क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं। इसमें हम ओनली वन सरफेस पर बात कर रहे हैं, तो एक सरफेस पर हम बात करें तो उसका जो नंबर ऑफ फ्लक्स होगा उसका 1/6 टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसमें निकाल सकते हैं कि इसका जो न्यू फ्लक्स होगा मतलब 5s इक्वल टू जो इसमें टोटल फ्लक्स होगा क्यूब में उसका क्या होगा 1/6 इन वन सरफेस। क्लियर ना, टोटल क्यूब पर सपोज फ्लक्स कितना है 5, तो एक सरफेस पर कितना हो जाएगा 5/6। ये 5 सेंटीमीटर डमी डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला सॉल्व करें तो 1/6 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है क्यू नॉट, ठीक है, 5 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका वैल्यू अपन पुट अप कर देंगे तो 1/6 इंटू 5 इज क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दैट इक्वल 1/6 इंटू द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, एंड दिस इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 अपॉन इसमें 6 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर, ये जाके प्लस हो जाएगा 6। अब इसने को हम सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5। आप सॉल्व करें इसको 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5, क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये नंबर ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही कॉन्सेप्ट है कि क्यूब में जो फ्लक्स है 5 है तो उसके एक सिंगल सरफेस में 5/6 हो जाएगा, वैल्यू को अपन पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इधर के जो क्वेश्चन हैं सब गॉस के थ्योरम पर बेस्ड हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेप्ट मेन क्या है, न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट समझना है। न्यूमेरिकल्स कोई ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट किसी एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप कैप्चर करिए। 19 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट आप मेरे बोर्ड से पढ़िए। ए पॉइंट चार्ज अप टू माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। ये तो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का चार्ज, दो दो लाइन का क्वेश्चन है। चार्ज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है ए वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स आपको फाइंड। तो देखिए यहाँ पर अपन नंबर ऑफ फ्लक्स का फाइंड करने का फार्मूला एक लाइन का है, 5 इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये क्यूब का जो एज दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, क्यूब के एज पर नंबर ऑफ फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, क्योंकि गॉस ने जो थ्योरम दिया था उसमें नंबर ऑफ फ्लक्स ओनली चार्ज पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब क्यूबॉइड एंड सो ऑन। नाउ द वैल्यू ऑफ क्यू इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दो लाइन का क्वेश्चन है बस। एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसको आप सॉल्व करें ना, मैं कैलकुलेटर से बताया था, 2 अपॉन 8.854 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा
2.26 into 10 to the power 5, 2.26 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई कर चुके हैं, टाइम पास क्वेश्चन है पूरा, बस वैल्यू पुट अप करो और कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। यहाँ जो गास के थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें बस आपको वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बस याद होना चाहिए आपको, वो भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, थोड़ा ध्यान से इसको रीड करिए। ए पॉइंट चार्ज कॉसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पासेस थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास टू द सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। स्टेटमेंट बस बड़ा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 - -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स टू पासेस इस पर सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि रेडियस को डबल करें तो उसके फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, तो सीधा नो चेंज। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ फ्लक्स डजंट डिपेंड अपॉन द रेडियस। अब भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि वह किसी सरफेस के एज पर उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, तो फर्स्ट आंसर नो चेंज। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया एनसीईआरटी के क्वेश्चन के खासियत है, भले दो लाइन का होगा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप वॉच करना कि ये आर पर डिपेंड नहीं करता, क्लियर। सेकंड नंबर पार्ट में पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं किससे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इक्वल फाई इज -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, -8.85 इंटू 10 टू द पावर -9, जिसको लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम, 10 टू पावर -9 को हम नैनो बोलते हैं, ठीक है, तो नैनो कूलम हो जाएगा इसका आंसर, और कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये चार्ज की पॉइंट चार्ज, इसमें इसके अकॉर्डिंग हम चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं और रेडियस को डबल करने पर उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आप स्टेटमेंट पढ़िए सब बोर्ड से, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ हैज एन अननोन चार्ज, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर रेडियस का अपने पर क्या है, एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, तो उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, हाफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 - 10, क्लियर। ये है, तो यहाँ पर नेट चार्ज अपने को फाइंड करना है, इंटेंसिटी दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3,
1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अपने को फाइंड करने होता है। देखिए अब यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें इंटेंसिटी हो और चार्ज हो, तो नेचुरली कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटेंसिटी का फार्मूला लगेगा। तो इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4πε₀Q/r² दैट इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.5 × 10³ इक्वल 9 × 10⁻⁹ इंटू अमाउंट ऑफ चार्ज इज, अमाउंट ऑफ चार्ज अपने को दिया है, अमाउंट ऑफ चार्ज तो अपने को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है तो क्यों लिख लिया, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 20, सेंटर से कितना डिस्टेंस दिया है 20, तो 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें चार्ज के लिए, तो q इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 1.5 × 10³ इंटू 20 × 10⁻²² होल स्क्वायर अपॉन दिस 9 × 10⁻⁹। बस ठीक है, इसका वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, दैट इम्प्लाइज इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेना, 1.5 × 20 × 20 × 10⁻³, 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁻¹ अपॉन 9 × 10⁻⁹। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेगो इस तरह से, 1.5 × 2 × 2 4 हो गया, और 10⁻⁻¹ में ये दोनों दो जीरो यहाँ से आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में ये जाके -8 हो जाएगा, -9 होगा, तो 10⁻⁻¹ अपॉन 9। ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ये कूलम है 6.67 नैनो कूलम। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो सिंप्लीफाई करने का पोजीशन को मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ उसको आपको मैनुअल प्रैक्टिस करना ही है, अदरवाइज आपका प्रैक्टिस नहीं होगा और एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। यहाँ तो मैं कैलकुलेटर से करके इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसको करना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर चार्ज कितना होगा जब इंटेंसिटी इतना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर, डायमीटर गिवन है 2.4, देयरफॉर रेडियस इज 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 22 रीड करिए, मीटर है ना, ये मीटर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी को अपन सपोज कर लेते हैं सिग्मा, तो ये दिया हुआ है 80 μC/m² ये चार्ज डेंसिटी है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। चार्ज डेंसिटी तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, फाइंड द चार्ज, क्यू का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ये फार्मूला आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज का जो वैल्यू होता है वो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया होता है। ये फार्मूला है गॉस थ्योरम में कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। दैट इम्प्लाइज इसमें हम वैल्यू को पुट कर दें तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू, इसको एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज
चार्ज इक्वल टू टार्ज, चार्ज डेंसिटी क्या है अपने पास, ये है, ये हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया, और इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 3.14 पाई का वैल्यू, और रेडियस अपने पास कितना है 1.2 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट अप करना है आपको, चार्ज निकल जाएगा, बस ये फार्मूला यूज़ करना है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ, चार्ज निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये फार्मूला मैंने गलत लिख लिया है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा आंसर आ जाएगा 1.4 × 10⁻³ कूलम। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ फ्लक्स। तो नंबर ऑफ फ्लक्स का तो आप कई बार निकाल चुके, डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, फाई इक्वल टू क्यू अप आर सेलन आर, दैट इम्प्लाइज फाई इक्वल टू टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.4 × 10⁻³ अपॉन 8.854 × 10⁻½, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो नंबर ऑफ फ्लक्स 1.6 × 10⁸ आ जाएगा, 1.6 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये नंबर ऑफ फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर, ये आप सिंप्लीफाई करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो आंसर, इसमें पहला कि टोटल चार्ज कितना होगा, और चार्ज निकलने के बाद हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स ऑन द स्फीयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इसकी इंटेंसिटी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 × 10⁻²। मीटर कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो यहाँ पर लेमडा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है E=1/2π ε₀ लेमडा अपॉन आर। क्लियर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2π ε₀ λ/r। ये गॉस थ्योरम का स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का फार्मूला है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइड करें इसको 1/4π ε₀ करने के लिए, तो E=2 हो जाएगा 1/4π ε₀ 2λ/r। ऐसा हमने क्यों किया, इसको 1/4π ε₀ लिखने के, ताकि उसका वैल्यू हमको लिखते बन जाए। That implies intensity यह दिया हुआ है 9 × 10⁴, that equal इसका वैल्यू 9 × 10⁹ 9 × 2λ/r is this 2 × 10⁻²। हमको लेमडा फाइंड करना है, क्वेश्चन में डेंसिटी पूछा है, तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा लेमडा इक्वल, इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर 9 के साथ कैंसिल आउट आएगा, उसको कैंसिल ही कर देते हैं, और इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, तो हो जाएगा 10⁴ × 2 × 10⁻², और अपान में यहाँ से 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, ये
तो ये ट्रांसफर होके आ गया यहाँ 10^-2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 10^9। तो यहाँ पर देखिए 10^ यहाँ पर हो गया 2 और ये हो जाएगा -7। लेमडा इज 10^-7 हो जाएगा, क्लियर। लेमडा का वैल्यू 10^-7 कितना क्वेश्चन आया, 10^-7 सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर। यदि इसको माइक्रो कूलाम में हम लिखना चाहें तो माइक्रो कूलाम में कैसे लिख सकते हैं इसको, लेमडा इक्वल टू 10^-7 इंटू 10^6। अब माइक्रो कूलाम हो जाएगा दैट इक्वल पर मीटर, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10^-1 माइक्रो कूलाम पर मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। इस तरह से एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से आंसर दिया हुआ है। तो ये हम इसको या इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कूलाम को आप माइक्रो कूलाम करो, वो तो बुक में दिया है करके आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इस फार्मूला का यूज होगा। ये सब फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये सब आपको याद नहीं है तो आप स्टेटमेंट भी नहीं समझोगे, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 24। ये 24 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से रीडिंग करिए क्वेश्चन नंबर 24 को, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर टू पैरेलल शीट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर वन देयर लीनियर फेस, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द पॉजिटिव 17×10^-22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये प्लेट अपने पास है इस तरह से, एक फर्स्ट प्लेट है और उसके पैरेलल एक सेकंड प्लेट, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। ये इसका आउटर रीजन है, इसको हम ए कह दिए, ये इसका आउटर रीजन है इसको बी कह दिए, ये बिटवीन द प्लेट्स है सी। तो थ्री क्वेश्चन इसमें पूछा है, और यहाँ पर इनका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपोजिट, इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 17×10^-22 सिग्मा, सपोज 17×10^-22 ये दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर पूछता है तीनों केस में इसका इंटेंसिटी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर का सिचुएशन, इसके इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव सरफेस है, और इसके आउटर साइड में क्या है निगेटिव है। तो जब इसके यहाँ पर एक मैं आपको डेमो बता देता हूँ, इस तरह से ये दो प्लेट हैं, ये प्लेट ऐसे हैं इस तरह से, बोर्ड में मैंने ऐसे बनाया है लेकिन वो प्लेट ऐसे हैं, और इस प्लेट के आप ध्यान से इस प्लेट को देखिए, तो इस प्लेट के इस साइड में पॉजिटिव इसके निगेटिव है, तो जब इसके इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, और इसके इधर निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। तो इधर माइनस है तो इसका इधर क्या होगा, प्लस होगा, इसके राइट साइड में प्लस होगा, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से यहाँ पर जो फील्ड बनेगा, तो इसके कारण जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन इस तरह से, ये इवन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव इवन होगा इस प्लेट के लिए, और इस प्लेट के लिए भी क्या होगा, वो पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट मीन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा इवन ई टू। यहाँ पर देखिए इस प्लेट के लिए इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में ये इवन होगा, लेकिन सेकंड प्लेट के लिए वो पॉजिटिव टू निगेटिव उधर है, तो उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा क्या, ई टू। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि ई वन का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा इस साइड में, क्योंकि इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव है, तो ई वन और ई टू का डायरेक्शन इधर हो जाएगा इस तरह से। तो थ्री फील्ड जो बनेंगे, ये वाला फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, तो इस तरह से इसमें सिचुएशन बनेगा।
तो पहले फील्ड में यदि हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें, इंटेंसिटी का आपको फार्मूला पता है, इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेन शीट के लिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आपने पढ़ा है। तो फर्स्ट फील्ड में यदि हम ए निकालें, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो यहाँ से फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई वन प्लस ई टू अपॉन टू, ये हो जाएगा। और दोनों का वैल्यू सेम है, वैल्यू तो दोनों का सेम है, जितना ई वन है उतना ई टू है, दोनों में इंटेंसिटी सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा अपने जीरो। तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिल जाएगा अपने को, जीरो मिल जाएगा। बी फील्ड में भी अपन देखें तो ई इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है ई वन, तो माइनस ए निगेटिव है ई टू अपॉइंट टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो सेकंड फील्ड में भी इंटेंसिटी क्या होएगा, जीरो इस फील्ड में, और बिटवीन यदि इनके बीच में हम इंटेंसिटी निकालना चाहें सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा ई वन प्लस ई टू अपॉइंट टू, दैट इक्वल, दोनों का वैल्यू सेम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टू ई वन अपॉइंट टू, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम है, ई वन ई टू इक्वल है, दैट इक्वल इतना हो जाएगा। तो ई वन का इंटेंसिटी ये 17 इंटू, या उसका चार डेंसिटी सिग्मा या पाँच सिग्मा भी, ठीक है, सिग्मा या पाँच सिग्मा भी अपॉइंट टू होता है, यहाँ पर ये सिग्मा है इंटेंसिटी, मतलब इसका मैं सिग्मा यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पर, सिग्मा ए प्लस सिग्मा भी, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, या ई वन ई टू फार्मूला के फॉर्म में इसको लिख दूँ तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, आप इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, तो जीरो हो गया। इसको भी आप वैसे लिख लीजिए, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन टू, और यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, मतलब टू सिग्मा ए, और यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू, इसका वैल्यू 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, दैट मीन्स 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, ये हो जाएगा इसका वैल्यू क्या आता है। आंसर नहीं आया, ओह सॉरी, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको हम लिखना भूल गए, ठीक है, तो ये टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो है टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फर्क पड़ेगा टू एप्सिलॉन नॉट, तो टू टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर दोनों सम होने के बाद, और इन टू एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा, तो दैट इक्वल इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है इसका आंसर 1.92 इंटू 10 माइनस 10, 1.92 इंटू 10 माइनस 10, आप सॉल्व कर लेना, ये न्यूटन पर कूलम, क्लियर, न्यूटन पर कूलम। ये तो तीन कंडीशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज, ये फील्ड को आपको समझना है कि इस फील्ड में माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हम दो फील्ड में, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, और सेंटर में जस्ट उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स करा दिया, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ध्यान से करिए, ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल यहीं से है, इसके बाद मैं जब कॉम्पिटिटिव बेस्ड न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो कंप्लीट एक मिसलेनियस कलेक्शन होगा, जिसको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर उसको कवर कराऊंगा। अभी मैं सबसे पहले अपने फेज में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कराऊंगा आफ्टर थ्योरी क्लास, ओके, थैंक यू।